हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिफेंस अफेयर्स इन हिंदी पर। और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे 10 किलोमीटर के बफर जोन के अंदर घुसे चाइनीज फाइटर जेट्स। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि इंडिया और चाइना के रिलेशंस कुछ ज्यादा खास नहीं रहे हैं, और रिलेशन और ज्यादा बिगड़ गए थे जब चाइना ने इंडिया पर अप्रैल में 2020 के अराउंड अटैक करने की कोशिश करी थी। पर इंडिया की बढ़ती ताकत और इंडियन सोल्जर्स की बहादुरी को देखते हुए चाइना शायद डर गया और बैकआउट कर लिया। पर रूल्स तोड़ना तो अब शायद चाइना की आदत बन चुका है, और इसी आदत के चलते अब एक बार फिर से चाइनीज फाइटर जेट इंडियन फोर्सेस को दोबारा प्रोवोक कर रहे हैं। रिसेंटली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC जो कि ईस्टर्न लद्दाख में है, उसके पास चाइनीज फाइटर जेट्स को काफी बार देखा गया है। पिछले 3-4 हफ्तों में चाइनीज एयरक्राफ्ट की एक्टिविटी इंडियन रीजन के अराउंड काफी बढ़ गई है, और इसके पीछे चाइना का मेन मोटिव लगता है ईस्टर्न लद्दाख और LAC के आसपास इंडियन डिफेंस मैकेनिज्म पर नजर रखना। पर इंडिया भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। ये पूरा मैटर इंडियन एयरफोर्स IAF की नजर में आ चुका है, और IAF इसको काफी सीरियसली हैंडल कर रहा है। चाइना की इस हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इंडिया ने अपने सबसे पावरफुल फाइटर जेट में से 2 जेट्स MiG-29 और Mirage-2000 लद्दाख में बने अपने एडवांस बेसिस पर अभी से ही भेज दिए हैं। IAF के अकॉर्डिंग इन दोनों जेट्स को भेजने का मेन मोटिव ये है कि अगर कोई चाइनीज मूवमेंट होती है तो इन जेट्स की मदद से उस पर कुछ मिनट के अंदर ही रिस्पॉन्ड करा जा सकता है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि IAF इंक्लूडिंग राफेल फाइटर जेट्स चाइना की इसकी एक्टिविटी के बाद से लगातार ईस्टर्न लद्दाख में एक्सटेंसिव फ्लाइंग कर रहा है। पिछली बार की तरह इस बार फिर से इंडिया के स्ट्रॉन्ग एक्शन को और लद्दाख में IAF के अपग्रेडेड इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए पीपल्स लिबरेशन आर्मी टेंशन में आ गया है। इसके अलावा इंडिया किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करना चाहता, और इसी वजह से चाइनीज एयरक्राफ्ट की छोटी से छोटी एक्टिविटी पर नजर रखी जा रही है, फिर चाहे वो लो ऑल्टीट्यूड्स पर हो या फिर हाई ऑल्टीट्यूड्स पर। IAF चीफ एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी का कहना है कि जैसे ही IAF को लगेगा कि चाइनीज एयरक्राफ्ट कुछ ज्यादा ही पास आ गए हैं, इंडिया अपने फाइटर जेट्स को हाई अलर्ट पर डाल देगा। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में हमें कमेंट्स में बताइएगा। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड क्लिक द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।